केपलर ने तीन लॉज बनाए, ठीक, ग्रेविटेशन के एरिया में से बहुत काम किया। ये जो केपलर के तीन लॉज हैं ये ओवरलैपिंग टॉपिक हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के और रोटेशनल मोशन के। रोटेशनल में इसलिए क्योंकि अर्थ घूमती है, प्लैनेट घूमता है, तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट तो लगेगा, और ग्रेविटेशन इसलिए क्योंकि वो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। तो कुछ टॉपिक आपको केपलर के रोटेशनल में भी दिखेंगे और ज़्यादातर केपलर आपको ग्रेविटेशन में ही दिखेगा। पर केपलर के लॉ मुझे करवाने तो है ही, चाहे मैं रोटेशनल में करवाऊँ चाहे ग्रेविटेशनल में करवाऊँ, तो मैं रोटेशनल में करवाता हूँ। तो केपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अर्थ सन के आसपास राउंड गोल नहीं घूमती। तो चलो जी, डेफिनेशन उसे चेंज कर दी, नहीं घूमती। कैसे घूमती है? इलिप्स की फॉर्म में घूमती है। सन जो है वो इस इलिप्स के सेंटर पे नहीं है, सेंटर और इस कोने के बीच में कहीं पर सन है। सन तो बहुत दूर है सेंटर से, ठीक। तो ये शेप, ओवल शेप को क्या बोलते हैं मैथ्स में? इलिप्स है। इलिप्स का ये सेंटर है और ये कोने है। सेंटर और कोने के मिड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फोकस, दो फोकस होते हैं एलिप्स के, एक तो ये फोकस होता है और ये भी फोकस होता है। आप सन को कहीं भी एज्यूम कर लो, चाहे यहाँ एज्यूम कर लो चाहे यहाँ एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं। तो सन सेंटर पे नहीं होता, सन फोकस पे होता है। तो अर्थ की दूरी सन से हर वक्त चेंज होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम भी हो जाती है। बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर केपलर का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो सन है इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। दो फोकस को फोकाई बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल है। तो पहला लॉ क्लियर है, ये स्टेटमेंट है। दूसरी चीज, केपलर का सेकंड लॉ बोलता है कि अर्थ या कोई भी प्लैनेट जब सन के आसपास घूमता है तो वो क्या करता है, वो एक एरिया स्वीप कर रहा है। जैसे मेरा हाथ, ये मान लो अर्थ है, ये सन है, तो ये अर्थ घूम रही है। सोचो ये फ्लोर है, मैं झाड़ू मार रहा हूँ फ्लोर के ऊपर इस तरीके से हाथों से, तो एरिया स्वीप कर रहा हूँ, एरिया स्वीप कर। तो एरिया स्वीप क्या किया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्वाड्रेंट कर दिया। तो ऐसे ही ये अर्थ मान लो टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ गई घूम के, तो इसने एरिया स्वेप्ट क्या किया, एरिया स्वेप्ट किया सन से लेके यहाँ तक। पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, और ये शेडेड एरिया उसने स्वीप कर दिया। तो मान लो ये एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया, फिर अर्थ घूम रही थी टी टाइम में, इतना एरिया स्वीप किया उसने, अर्थ घूमती घूमती यहाँ पर आ गई, और फिर मैंने टाइम सेम दिया और अर्थ घूम के टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ गई, फिर से अर्थ ने एरिया स्वीप किया, इतना एरिया स्वीप किया। केपलर लॉ ये कहता है अगर टाइम दोनों पोजीशंस का सेम है, टी से टी, टी से टी, तो एरिया स्वेप्ट भी सेम ही होगा। आपको कैसे कैसे तो देखने में लग ही नहीं रहा, ना लगे पर आपको फिर भी यकीन नहीं होगा ये एरिया छोटा है एरिया बड़ा होगा। इसका जो रीज़न है अभी केपलर बताएगा, अर्थ की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती घूमने में। अर्थ ऐसे घूमती है, जब दूर होती है स्लो हो जाती है, जब पास आती है सन के बहुत तेज़ घूमती है। ये देखो ऐसे घूमती है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो दूर है तो स्लो हो जाती है, जब पास है तेज़ हो जाती है। तो एरिया स्वेप्ट लेकिन दोनों में सेम रहता है। कई लोग सोचते हैं कि एरिया छोटा है क्योंकि टी टाइम में छोटा एरिया, यहाँ पर बड़ा एरिया, नहीं बड़ा एरिया नहीं है, ये अपने आप ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्यों बढ़ती है उसका रीज़न आज मैं दूंगा, ऐसा चेंज क्यों होती है स्पीड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो केपलर लॉ क्या कहता है, एरिया स्वेप्ट इन अ गिवन टाइम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो उसने ये क्या कहा कि कितना एरिया स्वीप हुआ, डी ए एरिया स्वीप हुआ, कितने टाइम में हुआ, डी टी में हुआ। डी ए बाई डी टी को बोलते हैं एरियल velocity. Aerial velocity of a planet is always a constant. Area एक vector quantity है, ये भी सुन लो, हमने आज तक scalar में use किया, पर वैसे area vector है। Area vector का vector बनेगा कैसे? अगर ये area है, इसका area vector इसके perpendicular बनेगा यहाँ पे, तो इसका area vector ऐसे बनेगा। हम इसको use नहीं करते इस chapter में, plus two में काफ़ी use करते हैं, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। जैसे एक स्फेयर है, एक स्फेयर का एरिया वेक्टर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और इनवर्ड नहीं होता, बाहर की तरफ होता है, एरिया बाहर की तरफ जाता है, ठीक। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, चाहिए नहीं मुझे। तो एरियल वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट, ये केपलर का सेकेंड लॉ ने हमें बताया, ठीक। केपलर का थर्ड लॉ भी है, केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है कि
कोई भी प्लेनेट अगर सन के आसपास घूमता है, मान लो अर्थ घूमती है, कोई प्लेनेट और भी घूम सकता है, तो वो एक चक्कर काटेगा इन टाइम कैपिटल टी, तो कैपिटल टी में एक चक्कर कंप्लीट हो गया, रेडियस उसका चेंज हो रहा होगा। तो अगर मैं एवरेज रेडियस लूँ इसका, मतलब एक रेडियस आर वन आर टू आर थ्री नहीं, एक रेडियस, तो कैपलर का थर्ड लॉ कहता है कि जो भी एक चक्कर का टाइम पीरियड है टी स्क्वायर इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो टी स्क्वायर प्रपोर्शनल टू आर क्यूब, ये कैपलर का थर्ड लॉ है, ठीक। और लेकिन इसका जो प्रूफ है हम किस में करेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर। तो ये तीन लॉज की डेफिनेशन समझ में आ रही है। तो तीन लॉज की डेफिनेशन में पहला लॉ कहता है कि सन सेंटर पे नहीं है, फोकस पे है। दूसरा कहता है कि एरिया स्वेप्ट यानी कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। और तीसरा लॉ कहता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। कैसे न्यूमेरिकल में लगाना है तो बाद में देखेंगे। लॉज समझ में आ गए यहाँ तक?